नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले की भाजपा नेता समर सिंह द्वारा भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने समर सिंह के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना में जुट गई। बताते चले कि भाजपा नेता समर सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को मारने की धमकी दी थी। वीडियो में समर सिंह कह रहे थे कि इसके लिए वह कोई भी सजा भुगतने को तैयार है। वीडियो वायरल होने के बाद एक युवक ने आजमगढ़ पुलिस के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर कार्रवाई करने की मांग की। इस मामले में पुलिस ने समर सिंह के खिलाफ शहर कोतवाली के मुकदमा दर्ज किया है। एसपी सिटी सैंडला ने बताया कि एक वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में आरोपी समर सिंह के खिलाफ सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है। शिकायत की गई थी कि कुछ धमकी दी जा रही है किसी के खिलाफ, क्या है पूरा मामला? सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें धमकी देने का प्रकरण था। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 365/23 धारा 506 और 505 का कायम किया गया है। इसमें अभियुक्त समर प्रताप सिंह के विरुद्ध शीघ्र ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या इसमें धारा 505(2) व 506 IPC की लगाई गई है इसमें। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।